दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसास पत्थर पर लिखो ताकि कोई इसे मिटा ना सके। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पाक पढ़ना ही पड़ेगा। औरत कोई भी हो, रिश्तों में मिलावट पसंद नहीं करती। वो जिससे भी प्यार करे उसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है। लड़की है झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नजर आ जाए तो कोशिश करे कैसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर ले। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और कोई उसे जान नहीं सकता। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज़ नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती है। जिस तरह इसी करने से कपड़ों में जाना जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आती है। मर्द की मोहब्बत दांत की दर्द की तरह होती है। जब वो करता है ऐसी शिद्दत से करता है, और जब वो खामोश होता है तो ऐसा लगता है कि इसने कभी मोहब्बत ही नहीं की। कहते हैं प्यार करने वाले खूबसूरत फूल दे के प्यार का इजहार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला तो हमसे बहुत प्यार करता है कि जितने फूल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और कोई नहीं दे सकता। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश अखलाकी से बात करें। ना जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हो वो ज़िंदगी के किस तकलीफ दह मकाम से गुज़र रहा हो। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे इन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे यकीन था। वो झोंपड़ी जहाँ औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से बेहतर है जहाँ औरत रोती है।